शहर में वैक्सीनेशन में पहला डोज लगाने में लक्ष्य हासिल कर चुका प्रशासन अब दूसरे डोज की लक्ष्य पूर्ति में जुट गया है। बुधवार से शहर के 23 जबकि जिले के करीब 350 सेंटरों पर अभियान चलाकर वैक्सीनेशन किया गया। डॉक्टर संजय भट्ट ने बताया कि कोरोना सेकेंड डोज के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अधिकांश लोगों ने पहले डोज में जो रुचि दिखाई थी, कहीं न कहीं वह दूसरे डोज में कम नजर आ रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर लोगों को 100% वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है। शहर में महाअभियान के दौरान 1,00,000 डोज का लक्ष्य रखा गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं नहीं, ये बात अच्छी है कि आपके मीडिया के माध्यम से और कलेक्टर मैडम ने भी सारे SGM सारों और अपने CEO हमारे जिला पंचायत जो अपने CEO साहब हैं दिवांग सर, उनके मार्गदर्शन में हमने पूरा काम किया। और बिल्कुल आप देखिए कि आज बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सही बात है कि यदि इस तरह की जागृति अभी नहीं हुई है जो फर्स्ट डोज में थी, और इंस्पाइट उसके बाद भी हम लोगों ने पूरी जागृति लाने के लिए पूरा प्रचार प्रसार हमने किया है सारे ब्लॉक में। खरगोन में यदि आपको ऐसा लग रहा होगा, पर हमने पूरे ज़िले में 350 हमने सेंटर लगाए हैं और 1,00,000 का हमारा आज का टारगेट है, उसको हम पूरा करेंगे और करेंगे। अभी सुबह से देखा है तो अभी आ नहीं रहे सर डोज लगवाने, एक भी अभी नज़र नहीं आया है। हो सकता है आएंगे, और बाकी हमारी जो प्रचार प्रसार है वो हमारी जो आशा आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और दूसरे विभाग के सभी लोग लगे हैं, NRLM वाले लगे हैं और सभी लोग लगे हैं, तो उनको हम प्रचार प्रसार प्रकार करके वो ला रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, बट शाम तक हम लोग पूरा ये 1,00,000 का जो टारगेट हम कर लेंगे। खरगोन में अभी कितने सेंटर बनाए सर? आज हमने सेंटर पूरे ज़िले में, हमने खरगोन में तो हमारे 23 हैं और पूरे ज़िले में हमने 350 लगाए हैं, जिसका हमने 1,00,000 का टारगेट दिया है। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर संजय भट्ट, जिला टीकाकरण अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।